वेलकम गाइस, सबका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो पोकेमॉन गेम में रैंडमली पोकेबॉल जो रूट पे पड़ी होती हैं, आखिर वो आती कहाँ से हैं, कौन है जो उसको वहाँ पर छोड़ के जाता है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही मिस्ट्री है। आज की वीडियो में मैं इसी मिस्ट्री को क्लियर आउट करने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओए क्लॉव, एंट्रो लगा। ओके मेरे पास तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक काफी कमाल के एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है पेयू जॉब्स। अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको पार्ट टाइम जॉब करना है, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो पेयू जॉब्स आपको आपके इंटरेस्ट के काफी सारे जॉब्स प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे टाइपिंग को अपनी सुधार भी सकते हो, एंड आप टाइपिंग जॉब से वीकली पैसे अर्न भी कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आपको ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप में अंदर आपको साइन इन करना है, एंड उसके बाद अपने इंटरेस्ट की जॉब को ढूंढना है एंड जॉब को अप्लाई कर देना है। सो अगर आप अपने फ्री टाइम को पैसे कमाने में लगाना चाहते हो, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। सो एक क्वेश्चन आप सबके मन में आया होगा कि जो रैंडम पोकेबॉल्स पड़ी होती हैं, आखिर वो आते कहाँ से हैं, कौन हमारे लिए छोड़ के जाता है, ऐसा कौन जो हमारी हेल्प करना चाहता है, या फिर मामला इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर कुछ और ही बात है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब क्लियर आउट करने वाला हूँ कि आखिर इसके पीछे मिस्ट्री क्या है, क्योंकि मेरे पास एक काफ़ी कमाल की थ्योरी है एंड वो थ्योरी बहुत ही लाजवाब है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये थ्योरी शुरू होती है जब हम होते हैं 10 साल के एंड जाते हैं प्रोफेसर के पास एंड उनसे अपना स्टार्टर पोकेमॉन लेते हैं एंड मॉम की परमिशन लेकर निकल चलते हैं एक जर्नी की ओर। जिस जर्नी में हमारे साथ क्या होने वाला है हमको कुछ भी नहीं पता। ये पूरी की पूरी जर्नी काफ़ी मिस्टीरियस होने वाली है, बट फिर भी हम अपनी जर्नी पे निकलते हैं एक काफ़ी कमाल के पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए। सो अगर आपने एक बात नोटिस की होगी, जो हमारा पहला रूट होता है, यानी कि जब हम प्रोफेसर ओक से अपने स्टार्टर ले लेते हैं एंड देन जाते हैं अपनी जर्नी की ओर, तो हमको वाइल्ड में काफ़ी सारे पोकेमॉन इनकाउंटर होते हैं, जो कि पोकेमॉन काफ़ी कम लेवल के होते हैं, बिकॉज हमारा स्टार्टर पोकेमॉन भी काफ़ी कम लेवल का होता है, और हमारा काम होता है उन पोकेमॉन्स को डिफीट करना एंड अपनी जर्नी में आगे बढ़ना। बट मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। सो जो मेरी थ्योरी है वो ये कहती है कि जब हम अपने जर्नी पे निकलते हैं एंड पोकेमॉन को एनकाउंटर करते हैं, और वो पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के होते हैं एंड हम उनके मैच के नहीं होते हैं, देन वो पोकेमॉन हमको मार देते हैं। एंड यहीं से हमारी ये थ्योरी शुरू होती है एंड अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी होने वाली है, क्योंकि जब हम पोकेमॉन के इलाके में जाते हैं, जैसे हम नॉर्मली एनिमल्स के इलाके में भी जाते हैं, सो एनिमल को पसंद नहीं आता है एंड वो हमको मार देते हैं। सेम कंडीशन पोकेमॉन के साथ भी है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी तो उसके अंदर आपको पता होगा कई सारे पोकेमॉन जो ह्यूमंस को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, चाहे वो घोस्ट टाइप पोकेमॉन हो, चाहे वो बग टाइप पोकेमॉन हो, चाहे फ्लाइंग टाइप हो, कोई भी पोकेमॉन हो, अगर आप उनकी टेरिटरी में जाते हैं उनको पसंद नहीं आता है एंड उनकी बिना परमिशन के उनसे फाइट करके उनको कैच करने की कोशिश करते हैं, सो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अगर आप हार गए तो पोकेमॉन आपको मार देगा। सो अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही है तो एक बार पिंसर की ओर देखिए, बीडिल की ओर देखिए, घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स की ओर देखिए, ये आपके जान के दुश्मन हैं एंड अगर आप उनकी टेरिटरी में गए तो ये आपको कहीं कहानी छोड़ने वाले, आपको मार देंगे। सो आपका आंसर आपके सामने है। जो रैंडमली पोकेबॉल्स रूट के ऊपर पड़ी होती हैं वो किसी और की नहीं, आपके और मेरे जैसे किसी मरे हुए ट्रेनर की हैं। एंड इसीलिए आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर आप वाइल्ड में जाते हो तो आपको कई बार स्टार्टर पोकेमॉन भी इनकाउंटर होते हैं, एंड स्टार्टर पोकेमॉन किसी और के नहीं, उन्हीं मरे हुए ट्रेनर्स के होते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि पोकेबॉल्स आती कहाँ से हैं। सो आज की वीडियो एक थ्योरी वीडियो थी, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सो थ्योरी का मतलब होता है थ्योरी, ना कि 100% कन्फर्म। सो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि मेरी बात पर यकीन कीजिए कि ये पोकेबॉल्स आते यहीं से हैं, बट काफ़ी सारे चांसेज हैं कि ये थ्योरी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और बाकी का आपको क्या लगता है कि ये थ्योरी सच हो सकती है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड गाइस आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो यहीं तक थी। एंड वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने पोकेमॉन फ्रेंड्स के अंदर। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, फॉलो करना हो तो आप कर सकते हो। एंड इसके अलावा पेयू जॉब्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको भी डाउनलोड जरूर कीजिएगा। सो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।